मर्जी कर देना, मेरी मर्जी कर दो ना, नहीं देख रहा तो बंद कर दो। तो अभी देखिए, आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और मेरे पेट के पास बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, नीचे साइड बहुत दर्द दे रहा है, उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम जा रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, पर अभी अभी सुबह में मैंने काम किया तो हल्का हल्का मुझे महसूस हुआ, बट अभी काम खाना भी बनाया ना तो अजीब सा लग रहा। आज मुझे बहुत भारी भारी लग रहा है नीचे हिस्से में, जहाँ नाभि होती है ना उसके नीचे हिस्से में ऐसा दबाव पड़ रहा है कि भारी, में ज़्यादा देर के लिए खड़े भी नहीं हो पा रही हूँ। अभी हस्बैंड ने देखी मेरी वो लगा दी, थाली लगा दी है, उन्होंने खाना खा चुका, बोले आरती थोड़ा सा खाना खा ले तो अच्छा लगेगा। और नाश्ता तो कल सुबह कर लिया था मैंने, चने वगैरह बनाए थे, पर बिल्कुल भी अजीब सा भारी भारीपन लग रहा है कि बहुत सारा लोड हो ऐसा करके लग रहा है। तो आज बहुत ज़्यादा मतलब हालत ख़राब है, क्यों ऐसा हो रहा मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पर खड़े हो रही हूँ ना, चलने में प्रॉब्लम जा रही, चलते नहीं बन रहा है जल्दी, ना बैठ पा रही हूँ ना ज़्यादा देर तक खड़ी हो पा रही हूँ। तो ये चलिए खाना खा लेती हूँ, और आज समझ लिया ऐसे ही लेटे लेटे मेरा दिन। तो देखिए मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं इस समय, और आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आरती आपका फ़ैसला अब क्या है। तो मैंने जो फ़ैसला लिया है वो आज की वीडियो में मैंने बताया है, तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो ये स्टोन वर्क का काम था वो तो आपको पता है कि मैं कर ही रही हूँ, और मैं डेली इस काम को ले रही थी, पर एक्चुअली अभी इंजेक्शन लगा था मुझे और मेरा आधा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा था, और काम ले ली हूँ और फिर उनको आधे अधूरे करके देंगी कोई, क्योंकि हम पे डिपेंड रहता है, भरोसा करता है, तो वो सही नहीं रहेगा शायद, फिर आगे के लिए वो मुझे देती कि नहीं देती। तो कैसे भी हालत में मैंने कहा मैं ये काम ज़रूर करूँगी। मेरे हालांकि लग चुके थे, क्योंकि मैंने ये काम 2 दिन के लिए लिया था कि मैं 2 दिन तक लगाऊंगी, और करीब 10-12 पल्ले थे मेरे, एक में 5 रुपये मिलना था, और ये पल्ले नहीं थे सॉरी, लहंगे के ब्लाउज़ पीस थे जिसकी कटिंग हो गई थी, काफ़ी नहीं हुई थी। और देव भी यहाँ पे मतलब टीवी वगैरह देख रहा था, बैठे बैठे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होने लगता है, तो फिर मैं थोड़ा सा ऐसे ही आराम करने लगती क्योंकि इस तरीके से बैठते अभी मुझे ज़्यादा देर तक नहीं आता है। उसके बाद फिर ये लोग सिकाई कर रहे थे मेरी, क्योंकि हाथ में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, उठाते तक नहीं बन रहा था, फिर भी मेरी तो कम बहुत कम सिकाई हुई थी। ठंडा जा रहा था ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे गुदगुदी लग रही थी जब देव लगा रहा था, तो मेरे हस्बैंड बोलते कि चल तेरे चेहरे में हंसी तो आई, क्योंकि तो फिर इतना ज़्यादा लहक रहा था, जहाँ पे सूजी लगाई गई थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लहक रहा था। और मैं आप लोग को ये बता दूँ कि मेरे सैटरडे का ब्लॉग था, मतलब कि सैटरडे का वीडियो था, बट मैंने शनिवार को कोई भी अपना वीडियो नहीं डाला, एक्चुअली मन भी नहीं था और मेरी इच्छा भी नहीं थी, और हर तरीके से मैं क्या सोच रही थी क्या नहीं। और ये रिपोर्ट आने के बाद फिर मुझे खुशी तो बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि देखिए जो हमारे क्रोमोसोम की चेक जांच हुई थी ना, पहले तो जब मेरी जांच हुई थी अमीनो फ्लूइड की, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि बहुत कम लोगों का डबल मार्कर पॉजिटिव, और फिर ये इसके बाद बहुत कम लोगों का अच्छा रिपोर्ट आता है, बट मेरा यहाँ पर अच्छा है, तो मैं एक तरफ से भगवान का शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद इतना टेंशन में रहने के बाद भगवान ही है जो एक सहारा थे हमारा, और यहाँ पे अब देव मेरी सिलाई कर रहा है। तो ऐसे ऐसे था, और अभी मेरा यही है कि मैं आगे अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखूँगी। अब तो मेरे पास मतलब कि यही एक ऑप्शन है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सिकाई करने के बाद ये देव बोल रहा था कि मैं भी करूँगा मम्मी की सिकाई, तो ये यहाँ पे देखे देव भी, ये देव भी मम्मी की बर्फ से सिकाई कर रहा है। ये देखिए धीरे धीरे करो, धीरे धीरे मम्मी मना कर रही है, तुम और कर रहे हो, कर दो बस ये देखिए यहाँ पे बस, और ये देव देखिए है ना, तो देव भी हम बहुत समझदार है ना, वो जानता है कि कैसी तबीयत खराब रहती है, तो वो उस हिसाब से करता है ना। तो चलिए यहाँ पे हम सिकाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम मिलते हैं आपसे थोड़ा बाद में। जैसे तैसे कुछ मेरे हस्बैंड ने लगाए थे, कुछ मैंने लगाए थे,
और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति को जन्म दे पाऊंगी। हालांकि उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे जैसे कि एक क्रोमोसोम का चेकअप होना था, वो जो 21 है, बट मेरे में पूरे 22 क्रोमोसोम की जांच हुई है, इसीलिए इतना पैसा भी लगा है और इतनी लेट रिपोर्ट भी आई। ये रिपोर्ट इतना ही लेट आता है। मेरे एक क्रोमोसोम का चेकअप होना था, बट मेरे सारे जितने बच्चे के क्रोमोसोम होते हैं, जैसे बीमारी, कोई बीमारी होगी, कोई मानसिक वाली किसी भी चीज़ का, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस बच्चे में। और वैसे ये हर किसी को डॉक्टर नहीं लिखता है, बहुत कम ऐसे मतलब पेशेंट होते हैं डॉक्टर के जिनको ये लिखता है। मेडिकल मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो ये एडवाइज़ ही नहीं करता, बट हाँ जो गायनोलॉजिस्ट मैडम रहती हैं वो ज़रूर इनको अलाउ करती हैं। अच्छा, बाद में ये सब काम करने के बाद ना एक बार देखना ज़रूर होता है, अगर आपका एक भी कुछ वर्क छूटा होता है ना तो वो रिटर्न कर देती हैं आपको, बोलती हैं दोबारा से काम करके दो। तो ये वाला काम मेरे हस्बैंड ने किया है, तो मैं देख रही थी उन्होंने अच्छे से किया है कि नहीं किया है, पर हाँ उन्होंने अच्छे से किया था और ये सारे जॉइंट में थे। तो ऐसे ही चल रहा है हमारा, और उम्मीद करती हूँ आप हमारा सपोर्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस समय मुझे सच में आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए फिर मैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में मिल रही हूँ। चलो ये चाय पी लो, ये चाय। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये आरती की, आपको तो पता होगा कि आरती को जब से इंजेक्शन लगा है तो उसको कुछ ज़्यादा ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसकी पेन और बुखार आ गई थी उसको। और यहाँ पे उसका सिर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सिर भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है यहाँ पे। तो वो अभी बाम लगा के अभी थोड़ा आराम कर रही है यहाँ पे। और यहाँ पे भी तो अभी मैं फिर से उसका थोड़ा सिर दर्द दबा दूंगा। तो बस ये सुबह का टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो चाय बनाई है तो आरती को भी चाय दे दूं मैं, है ना, तो आरती भी चाय पी लेगी थोड़ा। तो चलिए, और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि तो आपको पता है कि टीका लगने के बाद थोड़ा बहुत है, और बर्फ़ की सिकाई भी कल हमने की थी रात को, अब थोड़ा आराम है अभी। और यहाँ पर आरती आप लोगों से बात करेगी तो आरती को भी अच्छा लगेगा थोड़ा। तो चलिए मैं आप लोगों से आरती से बात करवा रहा हूँ, तो आरती ही बता पाएगी उसकी तबीयत अभी कैसी है कैसी नहीं, जब तक मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ घर का। तो उठो। हेलो एवरीवन, तो देखिए एक मैं चाय अभी पी रही हूँ, वैसे मन नहीं है, पर इन्होंने बोला कि शायद सर दर्द हल्का होगा थोड़ा सा। तो सर दर्द मुझे ना एक हिस्सा पूरा दुख रहा है, पूरा नहीं दुख रहा, एक हिस्सा बस दुख रहा है, और पेट के नीचे कुछ दर्द था वो भी कम नहीं है। पर आपने देखा मैंने स्टोन लगाया, वो काम मैंने लेके रख लिया था, फिर उनको नहीं देती सही से, मैं लगा के तो और प्रॉब्लम देती, मैंने उनको लगा के दे दिए, कंप्लीट हो गया। वो लेकर अभी आएंगी 10 बजे तक लेकर चली जाएंगी। अच्छा, आप लोग के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे जब मैंने आपको परसों रिपोर्ट शेयर करी, पर कल बहुत ज़्यादा तकलीफ थी इसलिए मैंने कोई भी अपना वीडियो शूट नहीं किया। मैंने कहा एक दिन रेस्ट करूँगी प्रॉपर, क्योंकि यूट्यूब में वीडियो बनाना आसान नहीं होता है ना। तो मैं अब आप लोग को क्या बताऊँ कि वैसे तो अब टाइमिंग ज़्यादा हो गई है ना, अब आप लोग ये पूछ रहे थे आरती तो अब आपका फ़ैसला क्या है, तो मैं ये बता दूँ कि अब मेरा जो फ़ैसला है, और मेरा जो ये फैसला है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मैं आगे भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखती, पर हुआ क्या था, ये अमीनो टेस्ट का था, उस समय पैसों के कारण मैंने क्या डिसीजन लिया था, ठीक है। अब वो मेरी कहीं ना कहीं मजबूरी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट लगा था अमीनो टेस्ट में, 30,000, जैसे जैसे करके हमारा 10,000 में टेस्ट हुआ, अब वो नॉर्मल रिपोर्ट है। तो मैंने यही डिसीजन लिया है कि चलिए अब मैं अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू आगे रखूँगी, और अब टाइमिंग भी हो चुका है। तो यही मुझे आप लोगों से बताना था, और प्लीज़ आप लोग कुछ बोलने सोचने से पहले एक बार मेरी बातों को समझिएगा, उसके बाद कुछ बोलिएगा, वरना कुछ लोग हैं बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। तो अगर आप समझेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, हो सके तो हमारा सपोर्ट करिए, अगर आप चैनल में नए हो सब्सक्राइब करिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे कल, कोशिश रहेगी, और कल के लिए मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है सोमवार को, उनको एक बार दिखानी है मेरी जो मेरी बाहर से रिपोर्ट आई, अभी उनसे नहीं मिली हूँ मैं। चलिए बाद में मिलती हूँ, बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।